हम जा रहे हैं स्टेशनरी शॉप में, क्योंकि 4 मंथ्स बाद ही अभी निकला हूँ घर से मैं, क्योंकि मैं जहाँ पर अभी रहता हूँ वहाँ पर अभी आर्ट मटेरियल्स अभी आ नहीं रहे, तो मिल भी नहीं रहे आर्ट मटेरियल, इसलिए मैं अभी गुड़गांव के आसपास ही जा रहा हूँ। सो और एक स्टोर में मैं जा रहा हूँ, वो सब बहुत बड़ी स्टोर है, तो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ और इस व्लॉग में आपको स्टोर का मैं टूर दूंगा। सो लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपने इसे देखा, ये शॉप में वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन तब भी थोड़ा सा इन्होंने अलाउ कर दिया था मुझे, तो आप देख सकते हैं शॉप में आप लोग आ सकते हैं। इसका नाम आप देख लीजिए, एलाइट स्टोर स्टेशनर से इसका नाम, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर और बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक ब्रांड के आर्ट मटेरियल्स अलाउड है, सॉरी मतलब अवेलेबल है इनके पास सारी, आप लोग बाय कर सकते हैं सारी ब्रांड्स की। यहाँ पर सारे आर्ट मटेरियल्स है, मतलब डर्बन स्टेडलर, तो आप लोग बाय कर सकते। तो हाय गाइस, जैसे आप लोग ने देखा मैं गुड़गांव गया था कुछ आर्ट मटेरियल्स बाय करना, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गुड़गांव क्यों गया, वहाँ पर तो केस है, मतलब तुम लोग ये नहीं गए क्यों गए आप, तो फिर जैसे कुछ मत लिखिएगा। हम लोग पूरा सेफ्टी से गए थे, हम लोग जानबूझ के फ्राइडे को निकले थे, क्योंकि हम लोग मतलब वहां पर ज्यादा अभी वर्किंग डे था फ्राइडे को, इसलिए हम लोग गए थे, क्योंकि वो पूरा प्लेन हो और हम लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे, सिर्फ गुड़गांव वाला जो बॉर्डर लाइन है वहीं गए थे हम लोग। तो मैंने कुछ आर्ट मटेरियल्स खरीदे, कुछ नहीं बहुत सारे खरीदे, क्योंकि यहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं था और यहाँ पर जब भी मैं जाती थी तो शॉप क्लोज थी, तो मुझे पता चला कि गुड़गांव में एलाइट स्टोर और मिडलैंड स्टोर कहके है, तो बहुत अच्छे अच्छे आर्ट मटेरियल्स मिलते, तो मैं वहां जब गया और आर्ट मटेरियल्स खरीद के लाया बहुत सारी। और ऐसे नहीं कि मैं शॉप कर रहा हूँ, मतलब वहां जा रहा हूँ मैं ये सब दिखा रहा, मैं सीधा मैं अपने लिए गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं लाया फिक्सेट और वाइल्ड, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये है वो आर्ट आर्ट पिना का है ये फिक्सेट, जो चारकोल पेस्टल और पेंसिल्स को बिल्कुल एक जगह सेटल करने के लिए होता है, और वार्निश है ये आप लोग पेंटिंग्स और ऑयल पेंटिंग में यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग, और ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं इसलिए मैं इनको यूज करता हूँ ज्यादा। वार्निश जो लिक्विड वाले होते हैं उनको यूज करता हूँ, स्प्रे वार्निश बेस्ट होता है, और मैं जितने भी चीजें लाया उन सबके ऊपर रिव्यू वीडियोस भी बनाऊंगा। और एक चीज, इन दो शॉप से मैं गया हूँ उनका मैं आपको एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो है पहले मैं जो लाया, दूसरा है एक कीप स्माइलिंग नाम का ब्रांड है, उसके में पेस्टल पेंसिल्स लाया, उसके टोन, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मैं प्रिज्मा कलर यूज करता हूँ, और मैं वो प्रिज्मा कलर ही लेने गया था मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रिज्मा कलर अभी आ नहीं रहे, क्योंकि मेक्सिको का ब्रांड है और वहाँ पर थोड़ी केस ज्यादा, इसलिए मैं कीप स्माइलिंग का ले आया, ये बहुत अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम पेस्टल पेंसिल्स ट्राई किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये है कीप स्माइलिंग
स्किन टेंट्स का, पेस्टल पेंसिल्स का, ट्वेल्व कलर जिसमें पोर्ट्रेट्स आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसे आते हैं जैसे सारे स्किन टोन्स हैं। ये मैंने इसकी भी रिव्यू वीडियोस आएगी, जितने भी आपने जो सबकी रिव्यू वीडियोस आएगी, और मैं ये सब आपको एक एक करके दिखाती हूँ। इसकी पेंसिल मैं जब रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो आपकी पेंसिल उसको करके दिखाता हूँ। मैंने एक ट्राई की थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, और आप जो पोर्ट्रेट में यूज करेंगे बहुत अच्छा लुक आएगा। इससे भी अपने साइड में नेक्स्ट जो मैं आपको एक है रीडेबल इरेजर, तो देखो स्टेडलर का है ये, तो आप ऐसे देख सकते हैं रीडेबल इरेजर है स्टेडलर का। रीडेबल इरेजर क्या होता है, एक क्लेट टाइप इरेजर होता है, मतलब आप उसे कोई भी शेप में कर सकते, ट्राइंगल, तो ये भी बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स के लिए काम आते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। तो मेरे खत्म हो गए थे, मतलब खराब हो गया था, इसलिए मैं इसको ले आया। मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये दब रहा है, तो स्टेडलर का है, देख सकते स्टेडलर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे भी साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है वो मिला डर्वेंट का ब्लेंडिंग स्टम्प। ब्लेंडिंग स्टम्प क्या होता है, पेपर का रोल होता है जिससे हम लोग बहुत अच्छी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये रहा डर्वेंट का ब्लेंडिंग स्टम्प, ये ब्लेंडिंग स्टम्प बहुत अच्छा है, मतलब मुझे अच्छे अपने ब्लेंडिंग स्टम्प ब्रश से तो अच्छा है ये, मतलब ब्रश को हम लोग बहुत डिटेल एरियाज में नहीं यूज कर सकते हैं, तो ब्लेंडिंग स्टम है उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल एरिया में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप एक लीफ का भी फोटो है देख सकते हैं आप लोग, अच्छा ब्लेंड करा हुआ है। और ये सारे वर्ड बैग तो ये सब मतलब बिगिनर आर्टिस्ट के लिए नहीं है, मतलब जो अभी अभी ड्रॉइंग स्टार्ट की उनके लिए नहीं है, तो ये वर्ड पेन तो नहीं क्योंकि 100 अब भी है कि आप लोग इनमें से कुछ चीजें खरीद भी सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम फिक्स एक्टिविटी से 200 की रेंज में, लेकिन कुछ चीजें मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, जैसे कि नीडेबल इरेजर और भी कुछ चीजें, तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो जो नेक्स्ट वो है व्हाइट चारकोल पेंसिल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक व्हाइट चारकोल पेंसिल में मैं बहुत दिनों पहले एक ड्रॉइंग बनाई थी जो था एक जिराफ का, जिसको मैंने बनाया था व्हाइट ब्लैक पेपर है व्हाइट से। आप देख सकते हैं ये आइकन में है वो ड्राइंग, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आई आइकन है, उसे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं उसकी वीडियो। तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने यूज की थी ग्लास मार्किंग, मतलब ग्लास मार्किंग पेंसिल बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तो मेरी ड्रॉइंग खराब हो गई, मतलब वो स्टिकी स्टिकी अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने फिर सर्च किया कि कैसे करते हो, सब लोग ने रेकमेंड क्या किया था तो कलर पेंसिल यूज कर लो, व्हाइट चारकोल पेंसिल। सब लोगों को पता होगा चारकोल तो ब्लैक होता है, व्हाइट चारकोल पेंसिल क्या होता है आपको दिखाता हूँ। हम जैसे देख सकते हैं ये है क्रेटा कलर का व्हाइट चारकोल पेंसिल, आप जैसे देख सकते हैं इसे, एक पेंसिल आपको निकाल के दिखाता हूँ, उसमें थ्री पेंसिल्स है देख सकते हैं आप जैसे, ये है व्हाइट चारकोल पेंसिल क्रेटा कलर का। व्हाइट चारकोल पेंसिल मुझे बहुत पसंद है, आप लोग सर्च कर लीजिए, सब की पर्टिकुलर वीडियो आ रही है रिव्यू, इसे साइड में रखते हैं। तो नेक्स्ट आपने देखा होगा अभी मैं एक रिसेंटली गणेश जी की ड्राइंग बनाई थी, आइकन में है वो भी ड्राइंग, तो गणेश जी की मैंने बनाई थी, तो मैंने उधर मेरे ज्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं थे और अच्छे भी नहीं थे, मतलब बहुत ओल्ड हो चुके थे और तो खराब भी हो चुके थे, तो इसलिए वो इतना ज्यादा अच्छा फिनिश नहीं दे पाया मैं। तो मैं 50 शेड्स वाला ऑयल पेस्टल लेके आया हूँ, वो 25 शेड्स है इसलिए उसमें ज्यादा कलर अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैं 50 शेड्स का चाहिए आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है वो ऑयल पेस्टल कैमल के हैं, तो पता होगा ज्यादातर ब्रांड में कैमल का यूज करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कैमल इन सब का, बाकी सब वो हाई फाई ब्रांड अच्छे थे, वर्थ बाइंग भी है सिर्फ 220 का 50 वाला, और वो तो आपको 100 में मिल जाएगा 25 वाला। तो और सॉरी गाइस मैं बार बार वहां जाके स्टेशनरी ला, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई टेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रखे रखे रहूंगा, तो मतलब यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन जगह नहीं हो रही थी, मैंने ट्राई किया था इसलिए मैं जो बार बार वहां जाने पर, तो उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हैं ये 50 वाला पैक छोटा है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स है, मतलब हर एक टाइप के, अभी मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी ऑयल पेस्टल ड्राइंग करने में। और ऑयल पेस्टल ड्रॉइंग जब भी करते हैं ऑयल पेंटिंग करते हैं बहुत अच्छा लगता है, मतलब इजी भी होता है और बहुत अच्छा फिनिश आता है, तो इसको साइड में रखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट में लाया कुछ छोटे छोटे कैनवासेस, उससे मैं एक दो ड्रॉइंग्स करूंगी, मुझे कैनवास करना
पसंद नहीं है लेकिन तब भी मैं करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये कुछ ऐसे में ले आया था, छोटे वाले कैनवस, आप देख सकते हैं। बर्फ पहले आप लोग वहां जाके बहुत ज्यादा चीप में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये है, ये मतलब कैनवस है। और एक सर्कल आ, ये वाले बहुत अच्छे मतलब बहुत पसंद आए थे मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इनका छोटा छोटा स्टैंड भी है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, मतलब बहुत ज्यादा छोटे है मतलब बहुत ज्यादा क्यूट है, मतलब छोटे छोटे कैनवस स्टैंड और बहुत अच्छा। और एक मैं सर्कल वाला ला रहा हूँ बड़ा वाला, आपको दिखाता हूँ वो भी मैं, तो आप जैसे देख सकते हैं ये है वो सर्कल वाला, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वो इसका स्टैंड है, तो ये वो सर्कल वाला देख सकते हैं। सर्कल कैनवस ये 120 का था वहां पर ले आया, और ये बहुत अच्छे लगते हैं तो छोटे छोटे, बड़े वाले तो पता नहीं, बड़े यहाँ तो बहुत बड़े होते हैं, स्पेस भी नहीं होता, लेकिन जो छोटे वाले होते हैं मतलब आप कहीं भी इसको सजा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे वो टेबल होता है मैंने यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगेगा वो, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें करूंगा अपने रूम को डेकोरेट भी करूंगा। तो चलिए अब इधर में रखता हूँ, तो साइड में रखते हैं। नेक्स्ट जो है मैं एक पेपर लाया हूँ अपनी मदर के लिए लाया हूँ मैं, क्योंकि वो मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, फ्लो कार मधुबनी पेंटिंग, उनके लिए ले आया ये। ये वाटर कलर प्लस एक्रेलिक शीट्स है, देख सकते 300 की समय का टेक्सचर है वो, मतलब माइंड ब्लोइंग है, मतलब इतना अच्छा टेक्सचर मैंने कभी नहीं देखा। और मैं कुछ ब्लैक पेपर भी लाए थे नॉर्मल, टेक्सचर इसके बहुत अच्छा है, मतलब इसका ये कंपनी ने अनुपम का है ये, 175 इनको वाटर कलर पसंद है वो ये खरीद सकते, बहुत अच्छा टेक्सचर है और बिल्कुल ऐसे डिटो ड्रॉइंग इसमें भी होगी। आप लोग जैसे देख सकते हैं फोटो में भी जो स्ट्रक्चर है, और ये मतलब एडिटेड नहीं है, बिल्कुल सेम टेक्सचर है, बहुत अच्छा लगा ये मुझे, मतलब माइंड ब्लोइंग है पूरा इसका स्ट्रक्चर, मतलब ऑसम। वापस से आपको रिमाइंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस शॉप की, तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। तो आपने देखा बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स में लाया हूँ, ब्लैक कलर के शीट्स भी लाया आपने जैसे देख सकते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब हैंडल मतलब मुझे मुश्किल हो रहा था पकड़ के चलने में, इसलिए जब बहुत ज्यादा मतलब हिल रहा तो सॉरी इसके लिए, फर्स्ट ब्लॉग है, बिगिनर हूँ ब्लॉग में, पहली बार ब्लॉग किया था तो सॉरी मुझे पकड़ना नहीं आता था ठीक से, बाकी तो कर लूंगा ड्राइंग में। सो गाइस इस वीडियो को आपको पसंद किया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वो शॉप बहुत अच्छी है, हर एक मटेरियल आपको मिल जाएगा, जैसे टॉम को मिलो प्रिज्मा ग्लास, प्रिज्मा ग्लास अभी आ नहीं रही है इसलिए आपको वहाँ पर पॉलीक्रोमोस डर्व सब ब्रांड मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक शार्पनर सब कुछ, इलेक्ट्रिक इरेजर, एक्रेलिक।